गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, मैं सुशील कुमार राठौर, आपके साइंस के अध्यापक। आज आपको साइंस का चैप्टर नंबर 2 का अगला टॉपिक लवण पढ़ाएंगे। किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनी अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। एग्जांपल देखिए, NH3 क्षारक है और HCl अम्ल, दोनों को अभिक्रियाने पर हमें मिला लवण NH4Cl। लवणों का वर्गीकरण, लवणों को 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सामान्य लवण, वे लवण या वे सरल लवण जिनमें विस्थापनीय एसजन या OH नहीं होता, सामान्य लवण कहलाते हैं, जैसे NaCl या KNO3। अम्ल लवण, वे लवण जिनमें विस्थापनीय एसजन होते हैं, अम्ल लवण कहलाते हैं, NaHCO4, NaHCO3। क्षारीय लवण, वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH ऋण होते हैं, क्षारीय लवण कहलाते हैं, जैसे MgOHCl, ZnOHCl। मिश्रित लवण, वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन और ऋणायन होते हैं, उन्हें मिश्रित लवण कहते हैं, जैसे NaKSO4Ca, कोष्ठक में OCl Cl। द्विक लवण, दो सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पोटास या फिटकरी, पोटास एलम या फिटकरी और मोहर लवण। संकर लवण, वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासनी अणु किसी धातु धनायन के साथ उप सहसंयोग बंध बनाते हैं, सकर लवण कहलाते हैं, K4 बड़े ब्रैकेट Fe स्मॉल ब्रैकेट में CN कोष्ठक 16 बराबर बन। ये सब ही सकर लवण के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लवण जल अपघटन, वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर अम्लीय क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, लवण का जल अपघटन कहलाता है। एग्जांपल आपको दिख ही रहा है, ये जल है, जल को हमने दो भागों बांटा और ये वापस उसी भाग में आ जाता है, एसजन और OH। नेक्स्ट टॉपिक, साधारण लवण सोडियम क्लोराइड NaCl। हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाले नमक को साधारण नमक या साधारण लवण कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिल अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसी लवण को हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। यह सामान्य लवण या उदासी लवण है, इसमें विस्थापनीय एसजन या OH आयन नहीं होते हैं। समुद्री जल को सूर्य की ऊष्मा से सुखाकर लवण निकाला जाता है, जिसे सामान्य भोजन में उपयोग करते हैं। विश्व के कई भागों में ठोस लवण भी खोदकर निकाला जाता है। औद्योगिक उपयोग के लिए शुद्ध सोडियम क्लोराइड को साधारण लवण से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर तथा जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। एग्जाम्पल देखिए, सोडियम क्लोराइड जल के विलयन के साथ में विद्युत प्रवाहित की तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त हुई। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातु के ग्रिज से ग्रिज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज और कृत्रिम फाइबर उद्योग में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में खाद वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में तथा अमोनिया बनाने में प्रयोग किया जाता है। अमोनिया खाद बनाने में प्रयोग की जाती है। यहाँ तक आप का कार्य आप अपनी साइंस की नोटबुक करेंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।